देखिए भाई, आज मैथ से शुरुआत करते हैं एलजेब्रा की। तो एलजेब्रा जो मैथमेटिक्स में आता है, ये जो काउंट किया जाता है, ये एडवांस मैथ्स में किया जाता है। लेकिन जैसे आजकल एग्जाम की प्रवृत्ति है, बस मैथ्स लिखा जाएगा सिलेबस में या कोर्स में, और कोई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, है ना। खासतौर पर एलजेब्रा से तो आ जाता है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो एक अलग चीज़ हो जाती है कि जो चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट है वो वहीं पूछी जाएगी। लेकिन जो अर्थमेटिक बेस जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, जहां आपको अर्थमेटिक की जरूरत होती है, वहां ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, एनी टाइम। लेकिन ये काउंट कहाँ होगा? एडवांस मैथ्स, ये अर्थमेटिक में काउंट नहीं होता। ठीक, अब बात होती है सीखने और सिखाने की। तो निर्भर करता है सिखाने वाले पे भी कि इस चैप्टर को वो कहाँ तक ले जाता है, और सीखने वाले पर भी निर्भर करेगा कि वो इसे कहाँ तक सीखना चाहते हैं। एलजेब्रा तो शुरू कहाँ से हो जाता है? आपने पढ़ी होंगी लीनियर इक्वेशन, पढ़ी होंगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, रैखिक समीकरण, ये भी एलजेब्रा है। फिर दो इक्वेशन आ जाती हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x प्लस 7y इज इक्वल टू 7, इन्हें सोल्व कर दो, x और y के वैल्यू निकाल दो, ये भी एलजेब्रा है। ठीक है, उससे ऊपर जब हम जाते हैं फिर फॉर्मूले आने शुरू हो जाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर अलग से तीन चार थ्योरम भी आती हैं जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होती हैं, इतना लंबा फॉर्मूला है उसका, वो थ्योरम भी आती है। ठीक, अब एलजेब्रा की शुरुआत की जाएगी तो हो सकता है कि इन्हें पढ़ा के ही खत्म कर दिया जाए कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना सीख लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना सीख लो, और एलजेब्रा खत्म। लेकिन उससे भी फिर आगे कहानी होती है। पावर टू के क्वेश्चन बीच बीच में मैंने पढ़ाए थे आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, फिर पावर फोर भी आ सकती है, पावर फाइव भी आ सकती है, पावर सिक्स, पावर सेवन, पावर एट और पावर नाइन तक क्वेश्चन आ सकते हैं। वो एक अलग बात है कि मैं उन्हें पढ़ाना चाहूँ या तुम पढ़ना ना चाहूँ, क्योंकि ये तो एलजेब्रा ही होकर रहेगी बस, अब तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ इतनी कम नहीं होती कि वो दो चार पाँच दस दिन में सिमट जाए, वो इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि हमें इस चीज़ को कहाँ तक ले जाना है, समझ रहे हो? तो ये सब इसका क्षेत्र होता है। जो हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे घातांक और करनी चैप्टर में, सर्ड एंड इंडाइसिस में, ये शायद हो चुका है, उसके भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। अंडर रूट दे दिया बड़ा सा बना के, वहाँ दे दिया एक्स की पावर 3, वाई की पावर 5, कुछ पॉइंट में डेसिमल में चीज़ें दे दी, और एक बड़ा सा क्वेश्चन बना के दे दिया कि इसकी वैल्यू निकालो, तो वो एलजेब्रा में भी आ जाएगा। उसके लिए फिर ज्ञान किसका होना चाहिए था हमें? पावर का, कि पावर कैसे जुड़ती हैं जब बेस सेम हो, कहाँ घटती हैं, कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया, कब पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पूरा मैथमेटिक्स जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है। तो किसी स्टूडेंट की ये सोच होती है ना कि मुझे ये चैप्टर नहीं आने का क्योंकि मैं ये नहीं जानता, मुझे लगता ही नहीं ऐसा, और ऐसा होते ही नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता ही चला जाता है। अभी हमने परसेंटेज पढ़ी है, जिसे आता था उसने भी कर लिया, और जिसे नहीं आता था शायद उसने भी कर लिया। अब जो चीज़ आपने यहाँ सीखी है वो आगे इंप्लीमेंट होगी, उसी तरह से इंप्लीमेंट होगी जैसे परसेंटेज में इंप्लीमेंट हुई है। अगर मान लिया मैं कल को प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करता हूँ, तो आप देखोगे वही चीज़, वही इंक्रीमेंट और वही डिक्रीमेंट, हम उसे ग्रेड में ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो चैप्टर कोई भी। तो इस तरह से मैं मैथमेटिक्स एक कंबाइंड फॉर्म में शुरू होके और कंबाइंड फॉर्म में खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी हमारा मकसद यही है कि जितने क्वेश्चंस हैं हो सके इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट कराए जाए, कोई एक्स्ट्रा ना कराया जाए। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। पहले तो इसके फॉर्मूले रिवाइज करवाता हूँ आपको। सबसे पहले तो फॉर्मूलों की जरूरत है, कुछ याद होंगे आपको, कुछ नहीं होंगे तो उन्हें भी आप देखते हो। दो तीन फॉर्मूले तो बेसिक ही होते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से शुरू होते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ाया आपने, तो क्या लिखते हैं ऐसे, ए माइनस बी लिख लें, ए प्लस बी लिख लें, या पहले प्लस वाले को लिख लें और बाद में माइनस वाले को लिख लें। ये सारा एलजेब्रा ही होता है, जिसे कॉपी करना है साथ साथ कॉपी करते रहें, जिसे फोटो खींचना हो अपना बाद में फोटो खींच लेना, समझ लें वो जैसा ये अच्छा। उसके बाद दूसरा मामला होता है बेसिक सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आज की पहली क्लास है तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, सभी का ध्यान रखते हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फॉर्मूला हो जाएगा इसका। अब
कभी कभी इसी फॉर्मूले से इसकी फॉर्म चेंज कर दी जाती है, वो ये नहीं, ये ना पूछ के ये पूछ लेता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लेता है। तो जो नया फॉर्मूला बनेगा वो तो इसी से तो बन जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप यही लिखिए ऐसे ऐसे का ऐसे ही, और ये जो टू ए बी की टर्म है पॉजिटिव है इसे इधर ले आए, हो जाएगा माइनस टू ए बी, और ये ऐसे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कोई नया फॉर्मूला थोड़ी होगा, तो पूछेगा क्या ये टर्म पूछेगा। अब स्टूडेंट जो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है, वो ये सोचते हैं कि अगर यहाँ माइनस होता तो फिर तो मेरे पास फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ क्या आ गया हो, इसका तो फॉर्मूला किसी ने नहीं पढ़ा है या मैंने पढ़ा है, तो पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, वो फॉर्मूला इसी से तो बना है, कुछ अगर थोड़ी हो। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस है तो ये प्लस है, यहाँ क्या जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब उसके बाद फिर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस टू ए बी इधर आ गया, हो जाएगा प्लस टू ए बी, और इज इक्वल टू यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ दिक्कत ये होती है कि ये भी फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और ये भी फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो वहीं क्लियरिटी हो जाती है कि कौन सी वैल्यू उसने वहां पे दे रखी है, या तो वो ए माइनस बी देगा या वो ए प्लस बी देगा, तो उसी से पहचान हो जाती है कि कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलों में टू ए बी तो कॉमन है यानी कि एक जैसा है, अंतर क्या है, यहाँ ए माइनस बी है और यहाँ ए प्लस बी है, तो जैसा वो पूछना चाहेगा क्वेश्चन को वैसे लिख के देगा, अब बस आपको वैल्यू ही पुटअप करनी है और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, उसके बाद आगे आता है क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये भी आपको याद हो, कितनों को याद हो, हाथ खड़े करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, चलिए बाकी जिन्हें याद नहीं है ध्यान से देखो, ए क्यूब बोलो भाई आप जिसकी याद है क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आगे इसकी भी दो फॉर्म होती है, थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक, एक तो ये फॉर्म होती है। और अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो इसे तो आप ऐसे लिखिए, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो थ्री ए बी आ गया कॉमन, तो यहाँ बी प्लस ए बचेगा तो मैं उसे ए प्लस बी लिख रहा हूँ, चाहे बी प्लस ए लिख लो, क्योंकि प्लस में तो कोई चीज वैल्यू पहले लिख लो कोई बाद में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। ठीक है, तो बुक में ये लिखा हो या ये लिखा हो एक ही बात है, आप दोनों को याद मत करो, अगर दोनों को आप अलग अलग याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी एक को याद करो और एक से ही दूसरे को बनाने की कोशिश करो, जितने फॉर्मूले कम मेमोराइज करोगे उतना ही कन्फ्यूजन कम होगा, तो ऊपर वाले याद रखो, जो ऊपर वाला याद रहेगा फिर तो कॉमन ले ही लोगे पहचान ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ क्यूब है यहाँ क्यूब है, यहाँ भी तीन पावर है, दो पावर तो बी की एक पावर ए की, यहाँ भी तीन पावर है दो पावर ए की एक पावर बी, बस यहाँ दो एक लिखना है यहाँ दो एक लिखना है। ठीक, अब क्या आएगा नेक्स्ट, अब इससे भी बन सकता है जैसा हमने ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का बनाया है, यहाँ से क्या बन जाएगा ए क्यूब बी क्यूब का बन जाएगा, बनाइए ये ए प्लस बी का जो होल क्यूब है इसे तो ऐसे लिखें, और ये टर्म ले आओ इधर या ये पूरी टर्म ले आओ इधर, जैसे आप इच्छा हो, तो मैं नीचे वाली ला रहा हूँ, नीचे वाली से ला रहा हूँ क्योंकि जब भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है नीचे वाली फॉर्म में ही आता है, आ तो ऊपर वाले में भी सकता है लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में नीचे वाली फॉर्म ही अप्लाई होती है, हालांकि बात तो दोनों एक ही है ये बात तो मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, तो जब ये प्लस की टर्म है इधर तो इधर आएगी तो फिर माइनस की हो जाएगी, माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी, और यहाँ आएगा ये ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक, आगे चलो, ये प्लस का फॉर्मूला बना था, अब क्या आएगा माइनस, ए माइनस बी का होल क्यूब,
तो आप देख रहे हो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो अगर जो भी चेंजेस आने होंगे, जो भी परिवर्तन आने होंगे, वो साइन में तो आ सके, वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी क्यूब है। तो पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, वैल्यू से मतलब ए क्यूब, फिर बी क्यूब, फिर थ्री ए बी स्क्वायर, फिर थ्री ए स्क्वायर, मैंने वैल्यू लिख ली। अब बात क्या रह गई, साइन निशान की। किसी को आप में से याद हो बताओ, प्लस माइनस के बताओ, मतलब यहाँ क्या लगाऊं, यहाँ माइनस लगाऊं, यहाँ क्या लगाऊं, माइनस लगाऊं, और यहाँ क्या लगाऊं, प्लस लगाऊं। सही बोल रहे हो या कुछ कन्फ्यूजन? मुझे लग रहा है कि यहाँ प्लस लगाओ और यहाँ माइनस लगाओ। अब ये होता क्या है, ये होता इसलिए है जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ मुझे तो पता चल ही जाएगा। जैसे यहाँ कन्फ्यूजन होता है, जिसने बहुत बड़े बड़े रट्टे मार रखे हैं उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं, वरना जब भी लाइन आती है होता ही है कन्फ्यूजन। और एक निशान में कन्फ्यूजन हुआ, समझो सवाल गया, फिर वो हाथ पहले नहीं पड़ता। आप सोच के देखो इसे क्या होना चाहिए। ये जो नेगेटिव साइन है ये ए का है या बी का है? बी का है। साइन जो होता है, जो निशान होता है, वो अक्सर से हमेशा पहले माना जाता है, ये तो बात जानते हो। ए का निशान यहाँ कोई नहीं है इसलिए पॉजिटिव मानेंगे, और बी का निशान क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो आप बी की पावर देखो जरा, ये बी की पावर थ्री है, तो जब बी की पावर थ्री करोगे तो माइनस की पावर थ्री नहीं हुई, और माइनस की पावर जब तुम थ्री करोगे तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए माइनस, नहीं आना चाहिए माइनस को तीन बार लिखा है, माइनस माइनस माइनस, तो दो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, फिर प्लस माइनस, आंसर माइनस में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यहाँ आ जाओ, यहाँ बी की पावर इवन है, सम संख्या है, तो माइनस आना चाहिए या प्लस, प्लस आना चाहिए, क्योंकि दो बार माइनस हम लोग क्या हुआ, प्लस, माइनस माइनस प्लस, नहीं बात समझ में नहीं आ रही क्या? आप बताओ, नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस ये समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। मैंने ये कहा कि बी जो है, बी का जो साइन है वो क्या है, माइनस, और यहाँ लिखा हुआ है बी का क्यूब, तो जब बी का क्यूब होगा तो जिसका साइन है उसका भी तो क्यूब होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि माइनस माइनस और माइनस, ये वाला माइनस भी तो तीन बार आएगा, तो जो दो माइनस थे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये पढ़ रखा होगा आपने। अब इस प्लस की जब माइनस के साथ करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ माइनस आएगा। अब यहाँ आ जाओ इसी तरह से, यहाँ बी को देखना है मुझे, ये बी का क्या है, स्क्वायर, तो माइनस का भी क्या हुआ, क्योंकि माइनस दो बार आएगा, दो बार मतलब क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस, इसलिए यहाँ प्लस आएगा। और यहाँ बी कितनी बार है, एक बार, यानी कि ओड नंबर है, तो माइनस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं लगा आपको। क्लियर है कि जो इवन है वहाँ पर प्लस, और जो ओड है विषम संख्या है माइनस, कैसे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? अरे चले, अब इससे भी वो फॉर्म बन सकती है, फिर लिखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे उतार लिया, और अब दूसरी फॉर्म नहीं लिखी पहले मैंने, वो लिख लेता हूँ कॉमन वाली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर कॉमन लो यहाँ पे, थ्री ए बी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, बी माइनस ए। अब मैंने उल्टा नहीं कर सकता क्योंकि बीच में क्या है, इस बार माइनस है ना, अगर उल्टा करना है तो फिर यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेके माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और फिर ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। कैसे कह रहा हूँ मैं, देखो आराम से टाइम ले लो, भी कोई दिक्कत नहीं, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, समय में आ जाए अच्छी तरह, अच्छी बात है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस मेरे पास आ गया, और माइनस प्लस माइनस थ्री ए बी, जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, और जो प्लस था वो, जिसे मैं कह रहा हूँ कि उल्टे हो जाएंगे, तो क्या मैं ऐसे ए माइनस भी लिख सकता हूँ, है ना? तो जब भी आप किसी बुक में पढ़ोगे, कहीं पढ़ोगे, फॉर्मूला तो बच्चों ए ही हुआ ना,
किसी बुक में इसका इस्तेमाल हो रहा है, किसी सवाल में, कभी किसी में इसका हो रहा है, कभी किसी में इसका हो रहा है। तो स्टूडेंट ये सोचता है कि पता नहीं तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ना। आप तीनों याद मत करो, आप सिर्फ ऊपर वाला याद करो। पहले धीरे धीरे सीखेंगे, जब हमारी कमांड हो जाएगी चैप्टर पे तो फिर ऑटोमेटिकली खुद ही ध्यान में आने लगेंगे डायरेक्ट। जब हम एक सवाल को 5 बार कर लेंगे तो फिर ये थोड़ी याद आएगा, फिर तो सीधा ये डाट याद आ जाएगा। माइनस में कन्फ्यूजन होता है, उसे देखते रहो थोड़ा। क्लियर है बात? अब ये कौन कौन से बताया मैंने, ये वाला हो गया। अब इसकी दूसरी फॉर्म निकालते हैं, कौन से वाली, ए क्यू माइनस बी क्यू वाली। तो पहले मैंने इसी से निकाली थी सेकंड से, इस बार इससे निकाल रहा हूँ थर्ड से, क्योंकि ये भी ए प्लस बी था और ये ज्यादा आता है। और कोई भी आ जाए फिर कुछ नहीं पड़ेगा, बाकी लिखने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये पूरी टर्म माइनस में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगी, प्लस। तो प्लस 3ab ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये बन गया। और ये भी किसका था, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये तो अंतर है दोनों। चलिए अभी जो हमारे फॉर्मूले हुए हैं पावर 2 के हो गए, पावर 3 के हो गए। अभी और भी फॉर्मूले हैं जो मैं थ्योरम वगैरह कह रहा था, पर ये है, देखता हूँ कि अभी बताऊँ या कुछ देर बाद बताऊँ, पहले क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ, कुछ छोड़ भी देंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट है, उसे लिखते हैं। ये भी आपने शायद पढ़ रखा हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ रखा होगा। तुम तो सस्पेंस में रहो, तुम तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं बात किससे करूँ, तो ना हाँ बोलना भी रहता था, कहते यहाँ पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, भूलते रहोगे किसी ब्लास्ट ना हो जाए। फॉर्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब बुक्स वगैरह में इससे भी तीन तीन फॉर्मूले बना दिए जाते हैं। क्या फॉर्मूले बनेंगे, वो किसी एक का साइन चेंज कर देगा, वो कह देगा ए प्लस बी और माइनस सी का फॉर्मूला बताओ, तो उन्हें याद करने की जरूरत पड़ रही है। सी का साइन क्या है, माइनस, तो जहां पावर इवन है यानी कि सम सम किया वहां प्लस आएगा, और जहां ओड है माइनस आ जाएगा। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अब अगर मान ली माइनस सी है, ए लिख के दिखा देता हूँ, सिर्फ एक, अगर एक लिख के दिखाया जाए तो ए प्लस बी माइनस सी, सारे ने लिख के दिखाया था, हालांकि जरूरत तो इसकी भी नहीं थी, बाकी फिर भी लिख लेते हैं चल। तो फिर वही बात, टर्म तो चेंज नहीं होने की ना, साइन ही तो चेंज होंगे, साइन किसका चेंज हुआ है, सी का, तो फर्क वहीं पड़ेगा ना जहाँ सी वाला, और फर्क क्यों पड़ता। तो ए स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ना, बी स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ना, सी स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ना, तो यहाँ सी की पावर कितनी है, 2 है। जहां जहां सम संख्या होगी पावर में तो फर्क नहीं पड़ना, क्यों नहीं फर्क पड़ना, मैंने भी समझाया था तुम्हें। अब यहां देखिए, यहां ए भी है, सी का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर इसके, क्योंकि ये तो ब्रैकेट बाहर कॉमन आ रहा है। ठीक, क्या ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, 2ab ab तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब bc जब मैं लिखूंगा, सी आ गया, और सी की जो है ए की पावर है, ए क्या है, ओड, यानी कि विषम, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब मान लो हमने बी भी चेंज कर दिया, सी भी चेंज कर दिया, कितने फॉर्मूले बना लो, तो फर्क कहाँ पड़ेगा, जहां बी आएगा और जहां सी आएगा। अगर बी एक बार आएगा तो एक माइनस, सी एक बार आएगा एक माइनस, और बी और सी दोनों आ गए तो माइनस माइनस, इसी तरह से फॉर्मूले चेंज होते चले जाएंगे। तो उन्हें लिखने की या उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं होती, ओरिजिनल फॉर्मूला तो बस हमारा ही है, इनसे ही आप चाहे 40 बना लो या जो मेन है 7-8 होने। ठीक,
और इसलिए मैं कह रहा था कि हम क्वेश्चन को बढ़ाएंगे तो बहुत तरह के क्वेश्चन निकल के आते हैं, बहुत तरह के। एसएससी सीजीएल का अगर पेपर दिया हो या दो, एसएससी सीपी होगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे आते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट से तो हो भी नहीं पाते, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट बस वहाँ तक ही रहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो आगे की बात होती है थोड़ी सी, वो करते नहीं है या हो नहीं पाते, जो भी समस्या है। और उसके बाद है जी कुछ फॉर्मूले छोड़ते हुए एक फॉर्मूला और है, इसे लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये बड़े चल रहे थे, यहाँ मैंने छोटे लिखने शुरू कर दिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तीनों का हमने अभी किसका लिखा था फॉर्मूला, स्क्वायर का लिखा था, तो हमें क्यूब का भी लिखना चाहिए, फॉर्मूले और भी हैं बाकी इसे लिख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। अब कोई अगर आप मुझसे पूछो कि ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बन गया, है ना, तो फिर दो तरीके होते हैं, या तो हमें इन्हें याद करना है क्योंकि हमें इनका इस्तेमाल कहाँ करना है क्वेश्चन में, या फिर आप देखो कि ये कैसे बन गया जी, जब पावर टू में मल्टीप्लाई में आए ए बी के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या आ रहे हैं प्लस, तो फिर इन फॉर्मूले को प्रूव करना पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर सारे फॉर्मूले एक ही स्ट्रक्चर से चले तो फिर उनमें प्रॉब्लम है क्या, अगर कहीं प्लस आ रहा है कहीं मल्टीप्लाई आ रही है कहीं माइनस आ रहा है, तो वो तो उसका प्रूव होगा ना, कहीं आठ लाइन में दस लाइन में पंद्रह लाइन में प्रूव करने के बाद जो डॉट स्टेटमेंट आएगा एंड वाला स्टेटमेंट वो हम लिखते हैं, है ना, वो एलजेब्रा के काम होते हैं कि भाई वो हमें पढ़े होंगे आठवीं नौवीं दसवीं क्लास में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वो लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे उसमें फिर उसे कुछ प्लस करेंगे उसमें कुछ माइनस करेंगे उसे एक्सपेंड किया जाएगा कुछ टर्म कटेंगी कुछ टर्म सोल्व होंगी उसके बाद ये आएगा फाइनल रिजल्ट। तो वो तो मुझे लगता है कि बेकार ही है वो तो करना, क्योंकि वो तो वहाँ किए जाते हैं एकेडमिक में, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर में आता है पाँच पाँच नंबर में, कि भाई प्रूव करोगे उसे तभी वो नंबर मिलेगा आपको, यहाँ तो बस आपको याद रखना है, कुछ याद है कुछ याद हो जाएंगे। उसके बाद एक थ्योरम आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखें, फॉर्मूला कह लो या थ्योरम कह लो, बाकी वैसे थ्योरम कहता हूँ, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक्चुअली ये एक इक्वेशन है और ये इसके दो फैक्टर है, एक ब्रैकेट में पहला फैक्टर और दूसरे ब्रैकेट में दूसरा फैक्टर, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, लेकिन हमें जो एक्सपेंड करना होता है क्वेश्चन में वो इस तरह से हमें करना होता है, इसलिए इन्हें याद कराया जाता है। उसके बाद इसी थ्योरम से एक और थ्योरम बन जाती है और ये एग्जाम में आती है, ये भी आती है ये भी आती है, अगर आपको याद हो इस सैटरडे को जो आपके टेस्ट हुए थे टेस्ट में बताया, लंबा सा क्वेश्चन आया था आपके बैच में था पता मैं याद नहीं,
एक लंबा सा क्वेश्चन था उस टेस्ट पेपर में, जिसका आंसर जोड़ जाड़ के बता दिया था मैंने कि भाई सुर की तीन संख्याओं को जोड़ लो उससे आंसर आ जाएगा, शायद अभी याद नहीं आ रहा। तो इसी से बनता है, वो क्या बनता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर जीरो, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी हो गया। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, वो इसी से बना। अब आप सोच के देखिए, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, जब ये पूरी टर्म जीरो होगी तो ये तो बचा बस, अब ये इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री ए बी। तो इस पे क्वेश्चन जब आता है काफी लेंथ में आता है, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देखते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं ये तो कब खत्म होगा, लेकिन खत्म होने वाली बात है ही नहीं, उसमें ऑटोमेटिक ए बी सी की वैल्यू ऐसी होती है जिन्हें जोड़ के आंसर क्या आएगा जीरो आएगा, ऑटोमेटिक ऐसी रखता है वो, और फिर इसकी वैल्यू पूछता है जो सीधा इसके बराबर हो जाता है और देखते ही आंसर आ जाता है, वो कोई टच ही नहीं करना पाए। ठीक, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे भाई कराऊंगा तो ऐसा वही। तो इतने फॉर्मूले लेंथ देते हैं, बाकी फॉर्मूले भी और भी हैं, पावर फोर भी है, इसकी भी एक अलग फॉर्म होती है, दो दो फॉर्म इसकी अलग है, बाकी अभी फिलहाल इनसे काम चलो। ठीक, शायद वहां पे जाना ना पड़े, ओके, और जाना पड़ेगा भी तो उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के जमाने हैं, फॉर्मूले के जमाने नहीं है। तो एटलीस्ट भाई इतना तो आपको याद होना चाहिए, इतना आप थोड़ा सा याद रखें जो मैं वो समझाया, और मैंने एक चीज स्टार्टिंग बता दी है, बस क्वेश्चन करते हैं, और क्योंकि आप पहली क्लास है कभी बेसिक क्वेश्चन चले, फिर धीरे 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 बड़े होते चले जाएंगे, कोई भी एब्सेंट मत होना, और ध्यान से इस चैप्टर को अच्छी तरह से शुरू हुआ तो खत्म करना। तो पहला क्वेश्चन करते हैं जी, पहला क्वेश्चन दे रखा है 9.64 प्लस 7.36 का होल स्क्वायर, साथ साथ लिखते रहना जिसे जरूरत है, माइनस 9.64 माइनस 7.36 का होल स्क्वायर अपॉन 9.64 इंटू 7.36। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज किया है, हालांकि और भी बेसिक थे, बाकी वो कुछ ज्यादा ही बेसिक हो जाते तो मैंने छोड़ दी। अब पहले तो आपसे पूछता हूँ, आप में से बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स में, हाँ कोई ऐसा है जिसका आंसर गार्ड बता दे बिना पेन टच करे? अगर मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ तो मैंने आपको ये बात पढ़ा रखी है, तभी मैं पूछता हूँ, अगर मैंने नहीं बताई तो मैं पूछता ही नहीं, बता जो भी मैंने माना बोलो, फिर पता नहीं कितनी मैंने बोलोगे, 17 बता दी, ये गलत है भैया आपको। चलिए, अब वो राइट आंसर कैसे आएगा वो तो बाद की बात है, क्योंकि अभी पहचान नहीं पाए हो और शायद स्टार्टिंग है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो एक स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम कंपटीशन में आया है उसकी जो इंटेंशन होती है वो क्या होती है, इसमें ऐसे जोड़ लो उसका फिर स्क्वायर कर लेंगे, इसमें से घटा लो उसका स्क्वायर कर लेंगे, बहुत तेजी से करेगा वो, पर वो इतनी तेजी कहाँ तक चलेगी, इतनी तेजी वो तो ले जाएगा 5 मिनट 10 मिनट तो ले जाएगा, और फिर एंड में यहाँ पे चला है आंसर ही नहीं ऑप्शन में तो समस्या मेरे को दे भाई, ये क्या हो मेरे साथ। तो इसे एक काम करो, मैं भी समझा रहा हूँ, इसे मैं ए मान रहा हूँ और इसे मैं बी मान रहा हूँ, 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है जी, ए है ये बी है, ये ए है और ये बी है, और ये फिर ए है और ये, मतलब मैं बार बार नहीं लिखना चाहता, मैंने ए मान लिया और बी मान लिया, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है,
फॉर्मूला आपके सामने है, एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, आगे ये सब बंद हो जाएगा, एक्सपेंशन है अभी है, बस एक दो दिन जब शुरुआत है इसकी। हाँ खुल गया अभी, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टू ए बी तो इसमें भी आना है, तो ये प्लस था आएगा और ये माइनस, लेकिन इस ब्रैकेट से बाहर क्या है, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों प्लस में आने थे, ये तो माइनस में आ जाएंगे, और ये माइनस में आना था, फॉर्म में सब समझा रखे हैं आपको, है ना। और नीचे है क्या, ए बी, ए बी, अब आप देखें माइनस ए स्क्वायर से कट गया और प्लस के बी स्क्वायर से ये कट गया, टू ए बी और टू ए बी फोर ए बी, ए बी से ए बी कट गया, आंसर क्या आ गया, ये हमने से तरीके से ठीक। ये ही क्वेश्चन हम देखते हैं अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में, है ना, है किसका पार्ट, ये पार्ट, लेकिन जब इसे आप पढ़ते हैं तो भाई ये तो संख्या पद्धति का है, तो अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक का है नहीं, जब फॉर्मूला किसके लग रहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थमेटिक कहाँ रह गया, वो संख्या पद्धति कहाँ रह गई, लेकिन संख्या पद्धति का थोड़ा वहाँ डाल देते हैं, बस नहीं आगे। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो मुझे तो सभी तरीके आते हैं, तो मुझे पता है कि भाई फॉर्म बननी है तो फॉर्म याद रखो सीधी, ये सब कटने कटने नंबर यहाँ कुछ भी हो ये कटने ही है, और हमेशा क्या बचना, चार ही बचना, तो आंसर हमेशा चार ही आएगा। अब यहाँ पे दो बात है, दो बात तो ये है, जो कंपटीशन का जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस का वो लगभग एक जैसे ही होता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोस्टली अगर आप 10 एग्जाम की बात करते हैं, 10 में से मान लिया 8 एग्जाम में क्वेश्चन आया मान लिया, तो हमेशा यहाँ प्लस मिलेगा, हमेशा यहाँ माइनस मिलेगा, हमेशा यहाँ माइनस मिलेगा, बस संख्या बदल जाएगा, ठीक है। और हमने जब ये सवाल कर रखे हैं तो आंसर सीधा क्या, चार निशान लगा दिया हमने, लेकिन जो कुछ थोड़े से और सेंसियर एग्जाम होते हैं उनमें वो साइन मशीन कर देगी, मतलब यहाँ माइनस कर देगा और यहाँ प्लस कर देगा, जब साइन चेंज कर दिए तो रिजल्ट थोड़ा बहुत घूमेगा, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी शॉर्ट ट्रिक समझ रहे हो, शॉर्ट ट्रिक लेके चल रहे हो, तो आपको उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, वरना जो पेपर बना रहा है वो आपसे भी तेज है, वो जानता है कि सबने रट रखा क्या चार, और मैं ऐसा करूँ कुछ इसमें जो चार ही ना हो, या तो माइनस चार आ जाए या कुछ और आ जाए, अब पहला ऑप्शन क्या दिखा हुआ हो, चार, जिसकी तुम्हें तलाश है, तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस यहाँ तब चार, ये तो चेंज नहीं करेगा, ये दोनों चेंज कर देगा, अगर यहाँ माइनस आ जाए और यहाँ प्लस आ जाए तो ये फॉर्मूला इधर लग जाएगा, और ये फॉर्मूला तो वहां पर परिवर्तन आने वाला है, चेक करो आएगा नहीं आएगा, यही आंसर आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस टू ए भी हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये तीनों प्लस के आने थे अभी तीनों माइनस के हो जाएंगे, फोर ही आएगा, माइनस फोर आएगा, आएगा भी, ये तो हो गया माइनस का टू ए भी, और ये क्या हो गया माइनस टू ए माइनस का फोर, वही मैं कह रहा था कि मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन में चार भी आ सकता है, लेकिन ये सब चीजें तभी क्लियर होगी ना, भी हमें कंसेप्ट क्लियर है कि भाई क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, मान लिया ऐसे लटके बैठ गए कि भी ऐसा सवाल था और आंसर चार आएगा तो धोखा ही खा जाओगे कहीं ना कहीं, वो एक अलग बात है कि मेनली यही आता है, ज्यादा सोचने वाली बात होती नहीं इतनी, बाकी सोचना जरूरी है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जी, 2.3 का क्यूब प्लस 0.027 अपॉन 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09, डायरेक्ट बता दो आंसर कैसा आता है, डायरेक्ट तो आ जाना चाहिए,
अब तुम अगर सोच रहे हो तो समझ रही है कि फॉर्मूले खोल रहे हो तुम मन में बैठे बैठे हो, वो काम आप लिख के नहीं कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे बनेगा कितना बताया? 2.3 2 7 2.3 2 7। इसमें आंसर आ रहा है जी 2.6। ये क्वेश्चन मनु आप पूछ रहे थे मुझे सैटरडे को, याद आया आपको? हाँ, ये वही क्वेश्चन है, ये भी अलजेब्रा का है, मिला कहाँ? नंबर सिस्टम में मिला होगा आपको, वो से क्यों करना भूल गया दूसरा। अब क्वेश्चन की पहचान कर लीजिए, सारे फॉर्मूले यही लग रहे हैं, कुछ नहीं होता। अब ये ए क्यूब बना कर दिखा दिया उसने, ए क्यूब तो इसे तो क्यूब बनाओ, तो प्लस बी क्यूब तो क्या लिखूं? 0.3 का क्यूब हो सकता है? नहीं हो सकता। अब नीचे मैं तो वही इसे ए मान लिया और इसे बी मान लिया, मैं डायरेक्ट बार बार नहीं लिखना चाहता। अब नीचे आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऑटोमेटिक वो फॉर्म बन के आएगी ही आएगी। ए कितना मान रखा था? 2.3, ये रहेगा स्क्वायर। बी कितना आया था? 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर कितना होता है? 0.3 की मल्टीप्लाई जब 0.3 में करोगे 0.3 में आएगा, ये क्या हो गया? और 2.3 की मल्टीप्लाई 0.3 में, 23 दिया 69, ये क्या आ गया? वो फॉर्म कटनी ही कटनी है अपने आप। अब वो गार्ड काट लो या उसे ले लिख के काट लो। अब तरीके से करोगे तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कहाँ है कहीं ये लिखे ही ना, ये लिखने भूल गए थे, ये तो लिखने भूल गए लिखा है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये मैं यहाँ फॉर्मूला लिख नहीं पाया भाई, ठीक है तुझे यहीं याद कर लेना, देखो याद करना हो तो। यहाँ पे था ए प्लस बी का होल क्यूब, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कई कई फॉर्मूले होते हैं कई कई। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये भी बना था, कहाँ बना था? ये बना था, ये बना था। अब इसे तो मैं आगे सोल्व कर दूंगा, इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन ले कर, तो फिर ये फॉर्म बन जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये वैसे जोर लगा रहा हूँ। और नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही हैं, टर्म ही आगे पीछे लिख रही है, बाकी साइन देख लो, यहाँ भी माइनस ए बी है, यहाँ भी माइनस ए बी है, ये इससे कटेगी, क्या आ गया? ए प्लस बी, और ए कितना था? 2.3, और बी कितना था? 0.3, तो आंसर क्या आ गया? 2.6 आ गया। ये बात होगी तरीके। और जब हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, तो क्वेश्चन जब ये स्टार्ट होगा जब ये आंसर आ जाएगा इसका, जब पेन भी हिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो पता है वही फॉर्म बननी है, 2.3 दे रखा है, ये किसका क्यों बनाया? 0.3 का क्यों बनाया, बस इन दोनों जोड़ दो यही 2.3 और 0.3। अगर यहाँ प्लस आएगा तो नीचे क्या आएगा? माइनस। अगर यहाँ माइनस आएगा तो नीचे प्लस आएगा, क्योंकि वो कटना जरूरी है, अगर वो नहीं कटा तो फिर कैलकुलेशन हो जाएगी ज्यादा, वो कॉम्पिटिशन में चीज आएगी नहीं। मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं जी ऐसा आ गया तो, मगर जहाँ कोई देख ली तो मुझे दिखा दी, मैं भी देख लूँगा उसे, मगर मेरे करियर में तो आया नहीं कहीं आज नहीं आने, और आ गया तो बैठे तो कोई इलाज है। तो अगर यहाँ प्लस है तो दोनों को जोड़ दो, अगर ऊपर माइनस है दोनों को घटा दो, नीचे क्या है जरूरत ही नहीं है। तो 2.3 और 0.3 2.6 सीधा। मैं तो दिखाया है कि भाई ऐसे करता है, ऐसे होगा, बाकी आपको तो आंसर से मतलब होना चाहिए, वो भी फास्ट जल्दी से जल्दी। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत? तो अभी तो इसकी पहली क्लास थी, तो मैंने अभी आपको एक दो क्वेश्चन ही कराए हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इसके।
ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये लिखवाया मैंने, अगर आ जाए माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, लिख देता हूँ उसे भी ताकि बाद में कोई दिक्कत आपको ना आए। वो फॉर्मूला शायद मैं भूल गया लिखना वहाँ पे, तो क्या लिखूँ आप, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो इसमें से जो भी आप नोट करना चाहो नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बाकी फिर इसी का सहारा लेके आगे आगे पिकअप कर लेना ठीक। बस थोड़ा सा ये जरूर कर लेना, इतना जरूर कर लेना ये फॉर्मूले कल तक याद दिलाने चाहिए किसी को, अगर याद ना ठीक, क्योंकि एक स्टूडेंट वही होता है जैसे मैं बताता हूँ ये चैप्टर 15 दिन चलेगा और उसे जब भी फॉर्मूले की पड़ेगी पर्चे पलटेगा, बहुत ही शान और शौकत से उतारेगा और आगे जी मेरा भी आगे जी मेरा भी आगे, वो एक कोई टेंडेंसी नहीं होती, टेंडेंसी होती है कि क्वेश्चन आए जहाँ में मुझे ना हो, तो वो कहाँ शुरू हुआ है तो अभी करना है, भूल भुलैया हो जाए वो एक अलग बात है, कोशिश कर लेना और जिसके याद है उसको कोई दिक्कत नहीं किसी भी।